आई एम डॉक्टर अदिति खंडेलवाल एंड आई एम बैक विद रविंद्र काबरा जी। मैं हूँ जोधपुर में द सन सिटी, जहाँ बहुत सारे रेगिस्तान के रेती के टीले हैं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन जो वहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है मेरे लिए है वो है गोकुल, द वैली ऑफ फ्लावर्स। एंड इट इज़ जो हम वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, दिस इज़ हेवन। और यहाँ पर आकर के मैं रविंद्र जी से जान रही हूँ कि उन्होंने ये गोकुल जो है क्यों बनाया है, कैसे बनाया है। लेकिन सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूँगी, रविंद्र जी, वाई गोकुल? गोकुल जी, अ ट्रिब्यूट टू माई ग्रैंडफादर। ओके। मैं जब 8-10 साल का था तब उनको गार्डनिंग करते देखता था और हाँ। यहाँ 4-5 गार्डनर होते थे। अच्छा। लेकिन दादाजी उस वक्त भी 4-5 घंटे खुद बैठ के धोती पहनते थे उस जमाने में, तो जमीन पे बैठ के काम करते थे, ग्राफ्टिंग करते थे। ओ वाओ। तो मुझे इतना अच्छा लगता था, और जब फ्लावरिंग ब्लूम होती थी हाँ। तो वो जैसे कोई दिल में घुस गया। 13-14 ईयर्स आई स्टार्टेड यू स्टार्टेड गार्डनिंग। जबकि दादाजी के जो फेवरेट थे मेरे बड़े ब्रदर थे, एंड आई वाज द मोस्ट, वो जो क्या नालायक होता है ना वो था, बट उनकी वजह से उनको देखा, उनको फॉलो किया, एंड आज जो कुछ है ये गोकुल है। सो दिस इज अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू अ लेजेंड ऑफ गार्डनिंग, माय दादाजी गोकुल चंद जी काबरा। दादाजी गोकुल चंद जी काबरा के नाम पे रविंद्र जी ने बनाया है ये अमेजिंग गोकुल, जहाँ पर कि 11,000 प्लांट्स हैं। और जब ये सर्दियों में ब्लूम करता है तो हमें रविंद्र जी ने बताया कि यहाँ पर इतने अलग अलग फ्लावर्स जो कि पूरी दुनिया में खिलते हैं वो यहाँ उगा रहे हैं, वो एक रेगिस्तान में जी। तो आप हमें, मतलब मेरा तो कौतूहल जो है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुका है कि मेरे राजस्थान, मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए, जिनके पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जो प्रॉबेबली उत्तराखंड में रहते हैं इंडिया की अगर हम बात करें, और जो केरला की तरफ रहते हैं, उनसे मुझे बहुत ही जलन होती है क्योंकि उनके पास में वो वेदर है विच इज़ सो गुड फॉर द प्लांट्स। सो यू नो, उनको नर्चर करने में थोड़ी कम मेहनत लगती बहुत है, कम मेहनत लगती, बहुत कम मेहनत लगती है। और हम जो यहाँ गार्डनिंग करते हैं राजस्थान में, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है फिर जाकर के कहीं कुछ खिल पाता है। उसमें आपने चंपा या कनेर की बात नहीं करी है, आपने बात कर दी ट्यूलिप की, जरवरा की, और ना जाने कौन कौन से फ्लावर्स जो मैंने देखे हैं, मुझे नाम नहीं पता है ना। तो आप पहले तो हमें बताएं कि वो कौन कौन से फ्लावर्स हैं। देखिए, मैं कुछ नाम दूंगा, ऐसे तो बहुत स्पीशीज हैं, लेकिन हाँ। कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा जो वाकई मतलब आपको कर देंगे एकदम, बोलना चाहिए कि पागल कर देंगे, या समझेंगे कि मैं बेवकूफ बना रहा हूँ। सो आई स्टार्ट विद ट्यूलिप्स, हाइड्रेंजियस, ऑर्किड, लिलियम्स, आयरिस, डैफोडिल्स, हेलिकोनिया, आप मतलब नाम बोलिए वो यहाँ पे ग्रो कर, एंथूरियम्स, कैन यू बिलीव दिस, और ही हैज ऑल दीस फ्लावर्स राइट हियर इन इन जोधपुर। और इसको ग्रो करने के लिए, वैसे तो डेफिनेटली दीज आर नॉट द प्लांट्स व्हिच यू कैन ग्रो इन राजस्थान जी, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करें जैसे हाँ। आप एक बच्चों को फॉलो करते हैं ना हाँ। तो ये ग्रेजुअली आपको सिखाना शुरू करते हैं कि इनको इनकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स। दैट इज सो ट्रू। हाँ, तो आप जब इनको फॉलो करते हैं, पेशेंस के साथ में टाइम हाँ। देते हैं खुद, आप किसी गार्डनर के भरोसे करेंगे तो ये सब संभव नहीं है। आप बिल्कुल वैसे ही करिए, तो ये ग्रेजुअली आपको सिखाना शुरू कर देते हैं कि हमारी क्या लाइकिंग है, सुबह की धूप चाहिए, शाम की चाहिए, दिन की चाहिए। और जब आप धूप का इनसे समझ लेंगे ना, उसके बाद आप भी अपने घर में ट्यूलिप ग्रो कर सकते हैं, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। ओह माय गॉड, मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। आपको आपके आपके इस साल में ट्यूलिप मैं खिलवाता हूँ। ओह गॉड, आई एंड ऑल जो भी आपके फॉलोअर्स हैं हाँ। या जो भी प्रकृति से प्यार करते हैं, जो हाँ। पैशनेटली करते हैं हाँ। जो कहते हैं हमको तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आने वालों के जब ट्यूलिप खिलेगा तो बहुत कुछ आने लगेगा। ओहो, सो गाइस डोंट गो एनीवेयर, हम सारी बातें जान रहे हैं रविंद्र जी से कि उन्होंने जोधपुर जैसी जगह में, जहां पर कि गर्मियों में टेम्परेचर 55 डिग्री पहुंच जाता है, तो नहीं लेकिन 45-47 जाता है, जाता ही है हाँ। जी, जी। और सर्दियों में इतनी भयानक सर्दी पड़ जाती हाँ, है, सर्दियों में मतलब 4-5 डिग्री टच कर जाता है। बट अच्छा, एक ये मिथ भी निकालना चाहता हूँ हाँ। कि उसके लिए वो बहुत ठंडा चाहिए हाँ। ये जो फ्लावर्स हैं, ठंडा नहीं चाहिए हाँ।
एक क्लाइमेट चाहिए जहाँ टेम्परेचर समवेयर अराउंड 20 से 25 डिग्रीज हो, मतलब मेंटेन्ड मैक्सिमम टेम्परेचर रहे, मैक्सिमम। अच्छा, और मिनिमम आपका 8-10 डिग्री 12 डिग्री है, वहाँ आप ग्रो कर सकते हैं। ओके। और क्योंकि यहाँ मैं 20 साल से ट्यूलिप्स और ये सारे फ्लावर्स ग्रो कर रहा हूँ, हाँ। तो अब मुझे कभी लगता नहीं है, अब कोई ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल, आपको जज्बा चाहिए, आपको उनको टाइम दीजिए। आई हैव नो बोटैनिकल बैकग्राउंड, आई हैव नो हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड, मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी है, आज तक गूगल नहीं किया है, और ऊपर वाले की कृपा से आज के तारीख में टचवुड, आप किसी पेड़ को मुझे दिखाएं, मैं कोशिश करता हूँ 90% के मैं आपको जवाब दे सकता हूँ ये क्या प्लांट है। बिल्कुल। मैं पत्ती सूंघ के आपको बता सकता हूँ कि ये कौन सा प्लांट है। ओहो, सो रविंद्र जी के बीच में और मेरे बीच में दो आ गई सिमेट्रीज, सो मैं भी दीवानेपन से जानी जाती हूँ, आप डेफिनेटली अपने पागलपन से जाने जाते हैं पौधों के लिए जी। मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, आप भी कॉमर्स बैकग्राउंड से, और हम दोनों ने कभी बॉटनी नहीं पढ़ी है जी, बट हम वो सारी चीजें, मतलब ऑब्वियसली आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई डू ट्राई अ लिटिल बिट हियर एंड लिटिल बिट देयर, बट हाँ हम एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ काटूंगा, नोबडी इज एन एक्सपर्ट एंड नोबडी इज नथिंग, इट इज ओनली आपका जो पेशेंस और जज्बा है ना, अगर वो होगा तो आप भी अपना गोकुल क्रिएट कर, और कोई भी अपना गोकुल क्रिएट कर सकता है। गोकुल इज नॉट समथिंग विच इज की एक सिर्फ कल्पना है, कल्पना नहीं है, ये साकार हो सकती है हर उस अदिति जी के फॉलोअर के लिए, अगर थोड़ा सा ध्यान से गार्डनिंग पे टाइम देके गार्डनिंग करें, ये आपको खिल के बताएंगे कि हम आपके यहाँ खिले, हम आपके यहाँ खिले हैं, हम खिल सकते हैं, खिल सकते बस हैं। थोड़ा सा प्यार और नर्चरिंग की जरूरत है, और जो फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे सब जगह खिल सकते हैं। बट अदिति जी मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि इसमें एक चीज का बहुत, गार्डनिंग में एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, डोंट गो फॉर एनी कॉम्पिटिशन, उसके यहाँ ये लगा है तो मेरे यहाँ पे भी होना चाहिए, उसके यहाँ ये लगा है तो मेरे यहाँ, आप एवरी फ्लावर इज ब्यूटिफुल, सिर्फ हमारी नजरों में क्या है, उसने ट्यूलिप को अगर खिला दिया तो अरे यार ट्यूलिप मेरे यहाँ तो नहीं है, अरे आपके यहाँ जो है उसको एंजॉय करो, छोटी छोटी खुशियों को हम छोड़ के जब बड़ी खुशियों की तरफ भागते हैं तो वो जो फूल है ना दे ऑल्सो फील बैड, हम खिल रहे हैं हमारे को अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है और आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक जो हमारे में कॉम्पिटिशन का जो पार्ट रहता है ना, वो अगर आप वाकई एक नेचर लवर हैं तो आप कॉम्पिटिशन छोड़ दीजिए, आप जो करिए अपने सुकून के लिए करिए, अपने दिल के लिए करिए, और जब आप अपने दिल के लिए करेंगे ना तो ये रिस्पॉन्ड उसी तो तरीके से, प्यार जो है वो फूलों फूल सारा फूलों पे जाएगा। आप जब कंपटीशन में जाते हैं तो नेगेटिविटी ज्यादा जाती है, और जो आपके अंदर का जो फीलिंग्स हैं वो, और जब ये फीलिंग्स नहीं जाएंगे फिर आप जो कहते हैं ना कि हमारे फूल नहीं खिल रहे हैं आपके खिल रहे हैं, इसीलिए नहीं, वो सेल्फलेस लव आना चाहिए एंड सेल्फलेस लव विदाउट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम देम। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जब हम बगैर अपेक्षा के कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट फैंटास्टिक होता है, अच्छा। और गोकुल एक उसका जीता जागता उदाहरण उदाहरण है। ये आज जो आपके आपको मुस्कुराकर ये जो आपका स्वागत कर रहे हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है, और मेरे ऊपर है, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर, इसका नाम मैं सबको बता देता हूँ, दिस इज अ ट्रम्पेट क्रीपर, और ये 6 महीने ब्लूम करती है, अरे अमेजिंग, मई से लेके और बस ये अक्टूबर तक ब्लूम करती है। अच्छा, तो कोई भी लगा सकता है, इजी टू ग्रो है, बहुत इजी है, हार्डी है, सर्दियों में इसके पत्ते गिर जाते हैं, एक भी पत्ता नहीं रहता, तो ये मत समझिए खराब हो गई, खराब हो गई, लेकिन बेल है वहीं पर, वो अब अप्रैल जाते ही ऑटोमेटिक आ जाए, इसलिए कि हम यहाँ खड़े हैं और ये सुंदर लगे कि बहुत लोग सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको एब्सोल्युटली। सो हम एपिसोड को खत्म करें, उससे पहले पहले हमने जाना कि इतने सारे एग्जॉटिक फ्लावर्स जो हैं आप जोधपुर में यहाँ पर यू नो एडवर्स क्लाइमेट के बावजूद आप यहाँ पर उगा पाते हैं, तो आपने एक तो हाँ बताया सबसे इम्पॉर्टेंट कि पॉजिटिविटी आप अपने प्लांट्स को दें, आप उनसे अपेक्षा ना करते हुए उन्हें बहुत सारा प्यार देंगे तो डेफिनेटली दे विल शो दैट, दे विल शावर दैट लव बैक ऑन यू। उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें होती हैं भाई, खाद, पानी, हवा, धूप, उसको आप कैसे क्या क्या देते हैं और क्या हमारे व्यूअर्स जो हैं उसको दें? जी देखिए, गार्डनिंग बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, मुझे नहीं कहना चाहिए बट लोगों ने उसको डिफिकल्ट बना दिया, कमर्शलाइज कर दिया है, लेकिन अगर आप बहुत सिंपल है, मैं जो कुछ चीजें आज को बताने जा रहा हूँ डिटेल में तो हम नहीं बात कर सकते क्योंकि वी ऑलवेज हैव टू बी शॉर्ट, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ। देखिए मिट्टी,
पानी, धूप और प्रूनिंग और खाद, ये पांच चीजें हैं। और छठी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पेशेंस। पेशेंस जी, पेशेंस आप सब कर लीजिए, लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप सक्सेस नहीं, आप ऐसे फूल नहीं खिला सकते जो आपका स्वागत कर रहे हैं जी। सो खाद, अगर एज ए लेमैन मैं बता रहा हूँ कि साल में तीन बार आप फरवरी, जुलाई और अक्टूबर, तीन बार आप अच्छी क्वांटिटी में, गमलों में है तो करीब डेढ़ मुट्ठी आप, ये डेढ़ ऐसी तरीके से आप समझ लीजिए, ये आप डाल दीजिए और खुरपी लगा दीजिए। पानी डिपेंड करेगा सीजन टू सीजन, बिल्कुल। गर्मी में हमको सुबह शाम भी देना पड़ सकता है, अगर हमारे पास सिर्फ मॉर्निंग सनलाइट है तो एक टाइम देंगे, 12 घंटे की सनलाइट है तो गर्मी में दो बार देंगे, तो और सर्दी में हमको एक दिन छोड़ के एक दिन, ये विद एक्सपीरियंस हम सीख लेते हैं। आता है, बिल्कुल। लेकिन मोटा मोटी मैं एक जो बता रहा हूँ लेमन की तरह, गर्मी में सुबह शाम दीजिए, एक शेड नेट लगा लीजिए, वेस्ट की धूप आप गर्मी में पूरी रोक दीजिए, 2 बजे की धूप की अगर आप रोक देंगे तो आप बहुत करके अपने प्लांट्स को मोर्टैलिटी नहीं होने देंगे। पानी, और जो बेसिक सबसे बड़ा मोर्टैलिटी का कारण है वो है ओवर वाटरिंग या वाटर लॉगिंग। बिल्कुल, हर एक इंसान अपने प्लांट्स को बचा सकता है, प्रोवाइडेड ये दो चीज का ध्यान रखे, पानी गमले में भरा नहीं रहे और आप बहुत ज्यादा पानी नहीं दें। वाटर लॉगिंग है तो उल्टा करें उसको, छेद को जो नीचे रहता है उसमें उसको साफ करें और लगाएं। बिल्कुल। तीसरा, धूप, अगर आपको ऑर्नामेंटल फ्लावर्स खाली पौधे लगाने हैं, ग्रीन्स लगाने हैं तो छाया बहुत अच्छी है, लेकिन अगर फूल ग्रो करने हैं तो 2 से 3 घंटे की धूप जरूरी है। धूप इज एसेंशियल, इंडिस्पेंसेबल फॉर द फ्लावर्स टू ग्रो, वेरी वेरी एसेंशियल। देयर आर वेरी फ्यू फ्लावर्स व्हिच ग्रो इन इनडायरेक्ट सनलाइट आल्सो, बट वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल। चौथा है प्रूनिंग। अब लोग कहते हैं कि यार इसको मेरे इतनी मुश्किल से बड़ा है, इसको काट दूं। जिस तरीके से आप जब कटिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, नई लीव्स आएगी, फ्लावर्स हमेशा नए लीव्स आएंगे। देखिए, मैंने ना आपसे बात करते करते मुझे याद आया, बच्चों के बाल काटते ना हम अपने, मैं बोलने वाला था, जैसे बाल को आप ट्रिम करते हैं तो वो बेटर आते हैं, उनकी क्वालिटी बेटर हो जाती है। इट इज द सेम थ्योरी व्हाट वी अप्लाई इन आवर ओन लाइफ, एग्जैक्टली ये वही है। तो इनको भी जब काटेंगे, जब नए पत्ते आएंगे, उसमें नई कोपल आएंगी, फूल आएंगे और फूल की क्वांटिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। सो दिस इज, so it's very important to prune them और ये भी timely। हाँ, इसका भी मैं एक थोड़ा टाइमिंग का भी एक बेसिक बता देता हूँ। हाँ, कि अगर आपको मालूम है कि जैसे एक मोगरा एक फ्लावर है खुशबू वाला, वो अप्रैल में ब्लूम करता है, स्टार्ट अप्रैल फर्स्ट वीक से, तो आपको फरवरी एंड में उसको प्रून करना, एक सवा महीने से पहले पहले प्रून करना, एक से डेढ़ महीने पहले प्रून करेंगे तो आपको फूल आएंगे। हाँ, और प्रून के साथ में आपको खाद देनी। बिल्कुल। तो ये हमारा इन नटशेल टोटैलिटी हमने देख लिया कि पानी का ध्यान रखना है, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए और खाद टाइमली देना है, खाद टाइमली देनी है, प्रूनिंग ढंग से करनी है। ले देंगे तो फ्लावर्स नहीं आएंगे। अच्छा, आपको वही प्रूनिंग के साथ में या फ्लावरिंग, जो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये फ्लावर इस महीने में आ रहा है, डेढ़ महीने पहले उसमें दे दीजिए। बिल्कुल। और सबसे ऊपर ये पांचारों करने के बाद में पेशेंस अगर नहीं रखेंगे तो ये नहीं होगा। फूल अपना टाइम लेते हैं, नॉर्मली एक साइकिल जो होती है फ्लावरिंग आने की वो 45 to 60 days की होती है जी। आप जब आज प्रून करेंगे तो 45 से 60 दिन बाद वो फूल आएंगे, फूल आएंगे। तो इसलिए उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आप उसमें ये एनपीके डाल दिया, डीएपी डाल दिया, कि उसने कहा ये डालो तो आ जाएगा, उसने कहा ये डालो, देखिए साइकिल को आप प्रकृति को बदल नहीं सकते, वो अपने हिसाब से ही चलेगी। उसको सीखें एंड यू विल हैव अ गोकुल ऑफ योर ओन एट योर प्लेस। सो विद दैट अगेन वी कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। वी हैव गॉट टू नो कि फूल उगाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, और एग्जॉटिक फ्लावर्स हैं जो कि ट्यूलिप हो गया, एंथूरियम हो गया, ये सारे के सारे प्लांट्स हम यहाँ राजस्थान में एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी उगा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो अ लिटिल अबाउट ऑल दीस थिंग्स। उसमें मैं यही कहूँगा, ये सब हम सेकेंड थर्ड फेज में जाएं जी। हम इनिशियली बेसिक प्लांट से जो हमारे यहाँ पर लगते जो हम कंफर्टेबली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को देखना पड़ेगा हम कितना टाइम दे सकते हैं, हमें सीखना पड़ेगा, तो हमें अटैच होना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे आप जब 100 प्लांट से या 50 प्लांट से शुरू करेंगे ना, फिर अपने आप जब वो आप उनको मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे, आपकी इच्छा होगी, और उसके बाद अगर प्लांट कोई भी खराब होगा ना तो जी दुखेगा। जिस दिन जी दुखेगा उस दिन आपका गार्डनिंग का फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया। बिल्कुल। So, don't go anywhere. I would wait for your comments. आपके लिए, रविंद्र जी के लिए अगर कोई भी सवाल है आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में डालें, और जस्ट यू नो इफ यू हैव अनसब्सक्राइब टू माई चैनल
प्लीज डू सब्सक्राइब, दैट मोटिवेट्स मी टू गो दैट वन स्टेप अहेड एंड टू टेक यू टू प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून. बाय बाय.